और अब लाउड एंड क्लियर नेशनल सुपरफास्ट। मुंबई में इंडिया की बैठक जारी है। होटल ग्रैंड हयात में विपक्षी दलों की बैठक हो रही है और इस बीच खबर है कि आज इंडिया का लोगो जारी नहीं किया जाएगा। घटक दलों की बैठक का वीडियो भी सामने आया। इंडिया की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर बड़े आरोप लगाए। खड़गे का कहना है कि बीजेपी एजेंसीज का पूरा नियंत्रण चाहती है और यही वजह है कि इंडिया नेताओं के खिलाफ एजेंसीज का दुरुपयोग करेगी। खड़गे ने बैठक में मुजफ्फरनगर के स्कूल की घटना का भी जिक्र किया है। कांग्रेस के सांसद और पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी 2 सितंबर को छत्तीसगढ़ दौरे पर जाएंगे। राहुल गांधी रायपुर में युवा संवाद कार्यक्रम में होंगे शामिल। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के लखनऊ के घर पर युवक की हत्या कर दी गई है। मृतक की पहचान विनय श्रीवास्तव के तौर पर की गई। विनय श्रीवास्तव मंत्री के बेटे का दोस्त था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। बीएसएफ और पंजाब पुलिस ने ज्वाइंट सर्च के दौरान पाक तस्करों की एक और कोशिश को नाकाम कर दिया। ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान हेरोइन की खेप जब्त की गई है। मामला तरनतारन के सरहदी गांव मेदीपुर का है। खास बात यह है कि खेप को तस्करों ने ड्रोन की मदद से फेंका। ड्रोन से भेजी गई हेरोइन की 2 किलो से ज्यादा बताई जा रही है। G20 समिट के दौरान इंडियन एयरफोर्स बड़ी ट्रेनिंग एक्सरसाइज शुरू कर रहा है। त्रिशूल अभ्यास में चीन पाक बॉर्डर पर राफेल, मिराज, सुखोई और अपाचे चिनूक दम दिखाएंगे। ये युद्ध अभ्यास 4 से 14 सितंबर तक चलेगा। राजस्थान में जल जीवन मिशन योजना से जुड़े घोटालों को लेकर ईडी की छापेमारी जारी है। ईडी ने जल जीवन मिशन के अधिकारियों के घर पर छापेमारी की। अधिकारियों पर करोड़ों के फर्जीवाड़े के आरोप हैं। गुरुग्राम में कुछ युवकों ने सीएनजी के 600 रुपए मांगने पर सेल्समैन की बेरहमी से पिटाई कर दी। घटना में 3 सेल्समैन को गंभीर चोटें आई हैं। 3 को आईसीयू में एडमिट किया गया। घटना सीसीटीवी में कैद हुई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। चंद्रयान 3 की सफलता से गदगद जम्मू के एक बिजनेसमैन और एजुकेशनिस्ट रुपेश ने चंद्रमा पर जमीन खरीदी है। मिशन ने जहां जमीन खरीदी है उसे खुशी की झील के तौर पर जाना जाता है। मिशन ने न्यूयॉर्क के द लूनर रजिस्ट्री से भी 1 एकड़ जमीन अपने नाम कर रखी है। असम में बाढ़ की स्थिति और खराब होती जा रही है। बाढ़ से राज्य के 19 जिलों में से 4 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। 16 लोगों की जान गई है। कुल मिलाकर 3,031 लोगों ने 125 राहत शिविर में शरण ले रखी है।